शिकारा राइड पे अंकल के साथ में, तो गर्लफ्रेंड को लेके आना था। राजस्थान अकेले हैं जी। गुरु शंकराचार्य का मंदिर, मंदिर हर हर महादेव। ये पूरा का पूरा गुलमर्ग शहर। मैंने बोला इधर मत रुको, ये आपके लिए सेफ नहीं है इलाका। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका अपना दीप ढाल, वेलकम टू ब्लॉग चैनल। तो आज मैं हूँ श्रीनगर में, वो बिल्कुल सामने आपको डल लेक का नजारा देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल फ्रंट में। ये जस्ट होटल से निकलते रोड और उधर डल लेक। अभी चल रही एडिटिंग। आज मेरे एक दोस्त की शादी है, मैं उसकी शादी में पहुंच नहीं पाया, तबीयत खराब हो गई थी, आप जा नहीं रहे हो। आज थोड़ा सा गला ठीक है तो मैं बोल पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी तबीयत। और आज प्लान है हमारा शंकराचार्य टेम्पल, थोड़ा सा डल लेक में जाएंगे एंड उसके बाद निकलेंगे गुलमर्ग के लिए। गाइज आप लोग बोलोगे कि आप बार बार एक एक कपड़े एक एक लोअर क्यों डालते हो, भाई लोअर मेरे पास और भी है, इसमें ठंडी नहीं लगती है तो ये डाल रहा हूँ। ये मैंने वॉश करवा ली थी कल रात, इनको ड्राई क्लीन को दे दी थी इन्होंने, इसको कर दिया तैयार कर दिया, सुखा सुखू के भी दे दिया यार, वेरी गुड, बिकॉज इसमें ठंड रुकती है यार, इसलिए ये पहन रहा हूँ। मेरे पास जितनी भी टी शर्ट है सारी ब्लैक कलर की है, ठीक है, और जो ये पहन रखी ऐसी मेरे पास तीन है, तो मतलब गेटअप ऐसा सही रहता है मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम। मॉर्निंग में थोड़ा इसको स्टार्ट किया है, यहाँ जस्ट आगे डल लेके इस तरफ, और ये अपनी गाड़ी को जस्ट थोड़ी सी देर के लिए स्टार्ट करके रखा है, वार्म अप होने देते हैं, उसके बाद निकलेंगे और बोलो हर हर महादेव। ये है डल लेक जिसमें आप राइड ले सकते हो, ये जो इसको बोलता है शिकारा बोट बोलते हैं, इसमें आपको ये पूरा घुमाते हैं, दो तीन इधर पॉइंट है उधर लेके जाते हैं, इधर से होते हुए एक इधर मार्केट बनी हुई है, मार्केट में लेके जाते हैं। शिकारा बोट हमने बुक की और अंदर घूम के आते हैं। हम पहुंच गए हैं शिकारा राइड पे अंकल के साथ में। अंकल नाम क्या आपका? अंकल कादर। अच्छा, तो अभी हम यहाँ के सैर सपाटे करेंगे, मार्केट की तरफ जाएंगे, एक दो जगह हैं जो पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आएंगे। अगर एक दो महीने बाद आओगे तो ये प्रॉपरली जम जाती है ना अंकल, जम जाती है। हाँ ये अच्छे से जनवरी में जम जाती है। अच्छा बच्चे लोग इस पे खेलते हैं। अच्छा पूरा जमता है। अच्छा आप फिर बोट कैसे चलाते हो या ऊपर ऊपर कितने सारे शिकारा है जिनमें लोग घूम रहे हैं, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब इतने टूरिस्ट नहीं थे, फिर अभी क्या सीजन शुरू हो रहा है तो बहुत टूरिस्ट है इधर कश्मीर के अंदर। एंड आप देख पा रहे होंगे पीछे की तरफ हाउस बोट जिनमें स्टे ले सकते हैं, यहाँ पे मिशन कश्मीर मूवी की भी शूटिंग हुई थी। तो अंकल ने बताया कि इस पार्ट को ना गोल्डन लेक बोलते हैं, क्योंकि शाम को जब सनसेट होता है तो उस दौरान क्या है कि सूरज की जो गोल्डन किरणें इस पे पड़ती है तो दूर से ये सुनहरी कलर का लगता है, तो इसको गोल्डन लेक बोलते हैं। बीच में ये आइलैंड टाइप जगह बनी हुई है जिसके ऊपर ये मकान बने हुए हैं, थोड़े से ही हैं, बाकी ये सारे ये तो हाउस बोट्स हैं। इधर लोग बहुत सारे अपने प्री वेडिंग शूट्स के लिए भी आते हैं, इधर अभी भी एक शूट चल रहा था, अभी कुछ फोटोग्राफर वगैरह भी निकले हैं यहाँ से। मार्केट भी देखने को मिलेगी, इधर भी आइलैंड है, लुक एट दिस, एंड आगे की तरफ बड़ी ब्यूटीफुल सी मार्केट है जो आगे की तरफ आने वाली है। यहाँ प्रॉपरली मार्केट आ गया है, काफी खूबसूरत है, बहुत ही रिलैक्सिंग है इस बोट में घूमना। जो आपको वो व्हाइट कलर का हाउस दिख रहा है उसमें सीन लिया गया था जब तक है जान मूवी का। लेक तो बहुत ज्यादा मतलब डस्टी सी हो रही है बट व्यू बहुत बढ़िया है। तो यहाँ भी ट्रैफिक रहता है भाई, पानी के अंदर देख सकते हो आप कितना जाम है, हमारी गाड़ी चल रही है पूरी स्पीड में। एंड आगे की तरफ देखो, मतलब यहाँ भी पूरा कंपटीशन है आपको देखने को मिलेगा। जो सुकून के पल लेने आते हैं ना वो इधर तो नहीं मिलेंगे, अलग दूसरी तरफ आप निकल जाओगे तो बड़ा बढ़िया लगेगा। सब्जियाँ भिजी गई है यहाँ पे। अच्छा बैंगन मिर्ची वो भी रहता है। अच्छा अब अभी क्या लगा हुआ है यहाँ पे? गाजर शलगम और अच्छा ठीक है, मतलब अंदर ही उग जाते हैं ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एंड ये देखो इधर भी शॉप है, रस्ते में से स्टोर्स भी आते रहेंगे। इधर देखो वाली मार्केट देख रहे हो ना, ये है मीना बाजार, देखो कितनी सारी बोट्स खड़ी है यहाँ पे, ये मीना बाजार है यहाँ का। थोड़ा सा मार्केट से दूर जाओ घूमने के लिए तब मजा आएगा। हाँ देख लो मार्केट वो अच्छी बात है, लेकिन बाद में थोड़ा दूर जाके घूमो, बड़ा सुकून मिलेगा इसमें।
बीच बीच में ACRPF के ये भी घूमते रहते हैं सेफ्टी के लिए, भाई कोई गिर जाए और हो जाए तो हेल्प मिल जाता है इनसे। वो कुछ ऐसे ही आता है, बोट से ही आता है, जो भी यहाँ पे सामान आता है मार्केट के अंदर, मीना बाजार के अंदर। बोर्ड देख रहे हो ना, ये देवदार की लकड़ी है। इधर एक कारखाना लगा हुआ है जिसमें कहते हैं ये करीब 3 लाख रुपए का पड़ता है। अभी जो शिकारा बोट है ये वाला, चुका हूँ बोट के बिल्कुल आगे वाले पॉइंट पे। तरफ पूरा फोगी फोगी हो रहा है और मुझे निकलना है अभी थोड़ी देर में गुलमर्ग के लिए। डल लेक का एक्सपीरियंस अपना बहुत शानदार रहा। इस बार हमने हाउस बोट नहीं लिया लेकिन इसमें शिकारा राइड लिया और अच्छे से सब चीजें घूम के आए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ शंकराचार्य मंदिर की तरफ। सर कितना का गया है? शंकराचार्य मंदिर मैं राजस्थान से, श्री गंगानगर। आप कहाँ से हो? मैं तो एमपी का बोर्ड रही है। अच्छा, एमपी के बोर्ड। थोड़ी दूर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर का भगवान के दर्शन करके। जी जी जी। अकेले ही हो? हाँ सर। तो फिर क्या फायदा हुआ यार? अभी तो शादी हुई नहीं है। तो गर्लफ्रेंड को लेके आना था। मैं ना यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, हाँ उस पर्पज से आया हूँ मैं। हाँ ठीक है जी। सर और मिले हैं जी? सर जी नमस्कार, कहाँ से आप? मैं राजस्थान। राजस्थान अकेले हैं? जी राजस्थान एक अकेले हैं। थैंक यू। शंकराचार्य मंदिर लास्ट टाइम भी नहीं गया, लाल चौक छूट गया था मेरा, एक शंकराचार्य मंदिर छूट गया था, दोनों इस बार काट लेंगे। तो ये इस तरीके की पौड़ियाँ हैं, उसे ऊपर जाना पड़ता है मंदिर के लिए। साथ चढ़ जाता है यार, बहुत CRPF के जवान है इधर। गुरु शंकराचार्य का मंदिर। तपस्या स्थल है, यहाँ बैठ के वो तपस्या करते थे। कहते थे यहाँ से श्रीनगर का पूरा नजारा दिखता, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अभी मैं गुरु शंकराचार्य के टेंपल में जाके आ गया था। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है एंड बढ़िया से दर्शन हो गए। थोड़ा मिलिट्री रहता तो ज्यादा शूट नहीं किया मैंने, नॉर्मली थोड़ा सिनेमैटिक दिखाने की कोशिश की है। एंड यहाँ की छोटी सी हिस्ट्री है उसके बारे में मैंने आपको वीडियो में फुटेज डाला, आप तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से पूरा श्रीनगर का नजारा देखने को मिल रहा था और वो हमने देखा भी। एंड यहाँ से पूरा डल लेक का हाउस बोट का भी दिख रहा था कि किस तरीके से हाउस बोट नीचे से तो अच्छी लगती है, जब ऊपर से देखते हो तो पता लगता है यार पानी के अंदर कितना ट्रैफिक कर रखा है यार, बहुत गंदा पोल्यूटेड मामला है ये। एंड पानी भी बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, डल लेक का बिल्कुल ही क्लीन नहीं है, बड़ा ही गंदा वाटर हो रखा है। बत्ती नहीं मानी जाती इधर भाई, कोई भी लोग बत्ती नहीं मानते इधर। और यही रास्ता की गुलमर्ग की तरफ का दिखा रखा है। इतना नजदीकी मामला होता है ना, बड़ा दिल डरता है, क्योंकि कल भी ना एक बंदे ने आगे ठोक दी गाड़ी, एक बंदे ने पीछे ठोक दी, सवारियां लटक लटक के जा रही है। अभी मैं हूँ ऑन द वे टू गुलमर्ग एंड भूख बहुत ज्यादा लग गई है। यहाँ पे मैं रुका हूँ कुछ खाने के लिए, तो कुछ खाने का ऑर्डर दिया यार, वेजिटेरियन कुछ भी नहीं मिलता इधर। तो ये एक जगह ये यहाँ से वेजिटेरियन ऑर्डर दिया है, कुछ चाय के साथ में कुछ सैंडविचेस एंड ऑल।
कितना खूबसूरत नजारा है गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे को तो क्या है कि पहले अपडेट मिली थी ना कि गुलमर्ग में बहुत स्नोफॉल हो गया, तो करके मैं कश्मीर की तरफ मुड़ गया था। लेकिन जिस तरीके का सूखा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि गुलमर्ग भी सूखा ही रहेगा। गुलमर्ग एंट्री से पहले ये 75 रुपीज का कॉस्ट चार्जेस रहता है। गुलमर्ग में बड़ा कुछ है घूमने लायक, लेकिन वही है कि सारी चीजें ऊपर ही है, नीचे कुछ भी नहीं है। देखते हैं हमारे टाइप की चीजें हुई ठीक है, नहीं तो हम तो कल निकलेंगे सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग के बाद में हमारा प्लान रहेगा जो जिला पास बर्फ तुम्हें वही मिल जाएगी भाई। तो नॉर्मली गुलमर्ग घूमते हैं दिन दिन में, कल निकलने का भी अपने को। फाइनली शुरू हो चुका है पहाड़ी रास्ता। हाँ जी ले ली ये। ओके थैंक यू सर। सिगरेट पीते हो? नहीं भाई धीरे आ जा, कितना तेज जा रहा है, हद हो गई। गुलमर्ग देखने को मिलता है एंड पीछे की साइड में देखो बर्फ पड़ी है इधर हर तरफ, उधर पीछे की साइड भी। एंड इधर देखो कितना टैक्सी और इन सब चीज़ों का भीड़ है। अभी मेरे को तो ये समझने में भी वक्त लग जाएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या देखना है। इधर आगे चल के गोंडोला राइड है, इधर की लोकल टैक्सी लेके जाती है आपको, बस इतना कन्फर्म है। गुलमर्ग का ऐसा सीन है कि यहाँ गोंडोला राइड तो आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है, जिसमें कल का कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, तो मेरी ये राइड नहीं पॉसिबल। उसके अलावा अगर हम बात करें, मेन यहाँ पे बर्फ देखने ही आते हैं लोग, और यहाँ पे कुछ नहीं है, देवदार के पेड़ है एंड बर्फ रहती है खूब। क्या पता नीचे स्नोफॉल हो जाए, लेकिन अभी के तो चांस नहीं है, बस इतना ही है यहाँ की कहानी। और ढाबे वाबे बने हुए इधर भी है, तो आप लोग यहाँ से खा पी सकते हो। एंड सामने की साइड वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ चल के आते हैं। ऊपर मंदिर एंड ग्राउंड देख सकते हो आप, इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे जब बर्फ गिर जाती है तो बहुत सुंदर हो जाती है जगह। भगवान भोलेनाथ का मंदिर, हर हर महादेव। ये पूरा का पूरा गुलमर्ग शहर, वो ऊपर की साइड में वो आपको छोटा दिख रहा है, वो गोंडोला का सेकंड पॉइंट है, इतना ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैदान, जब स्नोफॉल हो जाता है तो लोग यहीं इंजॉय करने लग जाते हैं इस तरीके के ग्राउंड पे। बाकी इधर देखो इसकी छत पे भी स्नो है यार। एनिमल क्रुएल्टी तो यहाँ भी बहुत है भाई, तो मैं तो गोंडोला मेरा हो नहीं रहा, ये फिर करूँगा नहीं। मुझे लग रहा है कि गुलमर्ग जस्ट स्टे करते हैं एंड थोड़ा बहुत कल देख लेंगे, कोई और जगह घूमने वाली बनती है तो वो घूम लेंगे एंड फिर चलेंगे। ये देखो यहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है, वाह यार गजब। गुलमर्ग अच्छे से घूम लिया है, ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली बर्फ है। अगर मेरी गोंडोला बुक हो जाती तो मैं 2 दिन भी रह सकता था। वो सामने की चोटी जो दिखाई दे रही है वहां तक लेके जाते हैं उससे। उसके अलावा गुलमर्ग में भाई कुछ नहीं है ठंड के अलावा। घोड़ों पे आपको पता है, खच्चर पे मैं घूमता नहीं हूँ। फिर ATV राइड बस थी लास्ट, लेकिन ATV से ये सिर्फ नीचे नीचे के 2-3 पॉइंट दिखा के ले आते हैं बर्फ के। और बर्फ तो हमने केदारनाथ में देख ली, स्पीति में देख ली, पर जस्ट इधर से थोड़ा सा आगे चल के था गुलमर्ग, मैं नहीं रुका हूँ। यहाँ एक व्यू पॉइंट आया है, यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। देखो कितना शानदार नजारा है, इधर बादलों में छुपा हुआ है सब कुछ। और ये अपनी थार इस तरफ दिखाते हैं आपको, प्रॉपरली जगह बनी हुई है फोटोग्राफी के लिए। ये आप देख सकते हो नीचे के साइड में वो कोई जगह है, वो पूरा का पूरा शहर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखो इधर आप सिर्फ बर्फ देखने के लिए आ रहे हो, देन बढ़िया है, गोंडोला राइड हो जाती तो मजा आ जाता। नहीं हुई, नेक्स्ट टाइम आएंगे गुलमर्ग तब करके जाएंगे। तरीके का रास्ता बन गया है, आप देख पा रहे होंगे, सोनमर्ग के लिए जो कि पूरा रूरल इलाकों से होते हुए जा रहा है। ऐसी जगह पे होटल की तलाश नामुमकिन है, कोई थोड़ा बड़ा कुछ आएगा तो ही हमें कुछ मिल पाएगा। एंड मैं अपने बनाया रास्ता तो अभी क्या ही कर सकते, आगे हाईवे शो कर रहा है तो आगे हाईवे मिल जाएगा अपने को सोनमर्ग के लिए जो है। एवरीबॉडी अभी मैं इधर से आ जाके आया हूँ, अभी जा रहे हैं वापस, उधर आर्मी की ड्यूटी लगी हुई है इस जगह पे। एंड इन लोगों को मैंने पूछा, यार सारे गन लेके खड़े हैं, कम से कम 8-10 आर्मी वाले हैं। एंड आई सेड कि रुकने के लिए कोई जगह चाहिए, उन्होंने बोला इधर मत रुको, ये आपके लिए सेफ नहीं है इलाका, पता नहीं है यार इधर का क्या सीन है, ज्यादा बोलना भी नहीं है। वो कहते आप यहाँ मत रुको, यहाँ से कुछ मत खाओ, रुकने के लिए यहाँ कुछ नहीं है आपके लिए, आप यहाँ मत सोचो रुकने का, आप जाओ आगे जाओ। एंड आगे जाके कोई एक जगह आएगी तो वहां जाके रुक लेना, तो
उसके लिए फिर देखते हैं, निकल ले रहा हूँ मैं अभी, आगे कुछ बड़ी ऑप्शन आता है तो रहेंगे। इधर तो सीआरपीएफ का नाका लगा हुआ है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, काफी अच्छा है और ऊपर रूम हमें बढ़िया मिल गया। तो बहुत बढ़िया जगह मिल गई अपने को जैसे कैसे करके। अब यहाँ से सोनमर्ग 85 किलोमीटर है एंड फिर वहाँ जाके देखेंगे, और ये वेज रेस्टोरेंट है तो सब बढ़िया है। तो आज का स्टे मेरा इधर है इस प्रॉपर्टी पे, नाम कंफर्म नहीं है, बट आज इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट नहीं मिल रहा। चलो जो भी है यार, अपना हो गया आज का अरेंजमेंट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट टेल देन लव लाइफ। और हाँ, कल आपको दिखाएंगे ब्यूटीफुल सोनमर्ग, ब्यूटीफुल जजीलाबाद।